हेलो बच्चों, आज मोल कंसेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम थोड़ी देर में कवर करने की कोशिश करेंगे। मोल एक नंबर होता है, मोल इज अ नंबर और उस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10^23। किसी किसी बुक में 6.023 दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। जिस किताब में जो दिया हो वो यूज करें, एग्जाम में दिया है तो जो दिया है वो यूज करें, नहीं दिया है तो ये यूज करें, कंफ्यूजन खत्म। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी है। जैसे आपसे मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 6.022 × 10^3 ऑक्सीजन एटम्स है। या आपसे मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, मतलब मेरे पास 6.022 × 10^23 N2 के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी किसी भी चीज का जब मैं 1 मोल बोलूंगा तो उतनी वो क्वांटिटी है। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास 1 मोल H2O है, तो H2O क्या होता है? मॉलिक्यूल। तो मेरे पास 6.022 × 10^23 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हो गई सबसे बेसिक बात, ठीक, कि मोल एक नंबर है। अब टेंशन नहीं लेना है, मोल क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 × 10^23। जैसे हम बोलते हैं एक दर्जन, वैसे ही एक मोल। हमने बोला एक दर्जन बनाना, कितने बनाना? आपने बोला 12 बनाना। हमने बोला एक मोल बनाना, कितने बनाना? 6.022 × 10^23 बनाना। तो एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से बनाना। अच्छा चलो वापस आते हैं। तो मोल निकालने के 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लो इस टाइम। तो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एग्जाम पास में है तो शॉर्टकट्स बताएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला है मास गिवन, जो भी एग्जाम में गिवन हो, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास लो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 liters, और इसकी जगह 22.4 decimeter cube भी लिखा हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का मॉलिक्यूल्स गिवन, मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन 6.022 × 10^23, और हो सकता हो मॉलिक्यूल की जगह एटम्स पूछा हो तो एटम्स गिवन। तीन फॉर्मूले हैं, अच्छे से देखो। पहला फॉर्मूला मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 liter, तीसरा मॉलिक्यूल्स गिवन या एटम्स गिवन अपॉन 6.022 × 10^23। तीन ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे काम होना है सारा। पहला मास जो दिया हो डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, दूसरा वॉल्यूम जो दिया हो डिवाइडेड बाय 22.4 liter, तीसरा मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो दिए हो डिवाइडेड बाय 6.022 × 10^23। क्या निकलेगा इन फॉर्मूलों से? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तीन फॉर्मूला याद करना है। मास जो दिया हो उसको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें। अगर मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम जो दिया है उसको 22.4 से डिवाइड कर दें, और अगर मॉलिक्यूल्स या एटम दिए हैं तो उसको 6.022 × 10^23 से डिवाइड कर दें। क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पहला आ गया 11.2 liters ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। दूसरा क्वेश्चन 16 ग्राम ऑफ मिथेन गैस CH4 गैस। तीसरा क्वेश्चन 12 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। चौथा क्वेश्चन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये चार क्वेश्चन हैं, चारों में क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। इस वाले में देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, वॉल्यूम जो गिवन है और किस पे गिवन हो, एसटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4 liters। तो वॉल्यूम गिवन कितना है, 11.2 डिवाइड कर दो 22.4, कितना आया 1/2, मतलब 0.5 मोल्स।
वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दो 22.4 से. इस बार क्या दिया है मास, तो नंबर ऑफ मोल्स मास दिया है. मास का फॉर्मूला क्या था, मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास. CH4 क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है तो यहां पे रख दो मॉलिक्यूलर मास. तो मास गिवन कितना है 16. अब CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, तो एग्जाम में दिया रहता है कि कार्बन का 12 मास, हाइड्रोजन का 1 मास, सल्फर का 32 मास, ऑक्सीजन का 16 मास, ऐसे दिया है. अब देखो इसमें एक कार्बन यानी 12 और हाइड्रोजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 और 12 कितना हुआ 16, तो कितने मोल आए 1 मोल. तीसरे क्वेश्चन पे आए, अब ना मास है ना वॉल्यूम है, क्या है मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स गिवेन डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10^23. मॉलिक्यूल्स गिवेन 12 इंटू 10^24, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10^23 लिखा, 6 टूज आर 12, 10^24 23, तो 10 बचा, कितने मोल्स हो गए 20 मोल्स हो गए. फिर ये क्वेश्चन आया 49 ग्राम ऑफ H2SO4, मास आ गया, फिर से मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मास गिवन कितना है 49, और मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो 16 इंटू 4, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 34, 30, 60, 90 और 98, कितना आया 1/2 यानी 0.5 मोल. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तीन फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन 6.022 इंटू 10^23. ध्यान से देख लो, ओके देख लिया, पहले वाले में वॉल्यूम दिया था तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, दूसरे में मास दिया था तो मास वाला फॉर्मूला, तीसरे में मॉलिक्यूल्स दिया था तो मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला. मॉलिक्यूल्स में किससे डिवाइड करना है 6.022 10^23. मोल्स मास में किससे डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर मास जो कि निकालेंगे, और वॉल्यूम में किससे डिवाइड करना है 22.4 लीटर से डिवाइड करना है. अच्छा ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन, थोड़े टेढ़े मेरे सवाल. चलिए 2016 में जो क्वेश्चन आया है वो ले लेते हैं. 2016 में क्वेश्चन आया था कि वी हैव 12 इंटू 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP. अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, पर मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल से किए जा सकते हैं, हम आपको पक्का बोल रहे हैं, पक्का किए जा सकते हैं, बात मानो, यूनिटरी मेथड की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूज करेगा, मोल का कंसेप्ट एकदम मोल से होगा, पक्का होगा. इतने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या पूछा है मास और वॉल्यूम, तुम्हें जो भी चीज मिली है सबसे पहले पहुंचो मोल्स पे, सबसे पहले पहुंचो मोल्स पे, तो नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, क्या मास गिवन है नहीं फाइंड मास, क्या वॉल्यूम गिवन है नहीं फाइंड वॉल्यूम, क्या गिवन है मॉलिक्यूल्स, तो क्या फॉर्मूला था मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय 6.022. अच्छा इस क्वेश्चन में बोल दिया कि एवोगैड्रो नंबर को आप यूज करिए 6 × 10^23, बोर्ड में कई बार बोल देता है, तो उन्होंने बोल दिया है एवोगैड्रो नंबर 6 × 10^23, तो डिवाइड बाई 6 × 10^23, मॉलिक्यूल्स गिवेन 12 × 10^24 अपॉन 6 × 10^23, अभी अभी ये किया था 6 × 2 = 12 और बचेगा 10, कितने मोल्स हो गए 20 मोल्स हो गए. मोल्स पूछे हैं क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछे, क्या पूछा है मास और क्या पूछा है वॉल्यूम. अब मास के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवेन
अपॉन किसकी बात हो रही है, O2, O2 क्या है मॉलिक्यूल, तो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन कितना है पता नहीं, फाइंड मास ही तो करना है, लेट मास गिवन बी x, मॉलिक्यूलर मास O2, ऑक्सीजन का मास एग्जाम में दे रखा है 16, ऑक्सीजन का मास दे रखा है 16, तो O2 का मास 16 into 2 divide by 32, नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाल चुके हो कितने हैं 20, तो 20 से इक्वल कर दो, इक्वल टू 20, नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाल चुके हो 20, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मल्टीप्लाइड बाई 32, कितना हो गया 640 ग्राम आ गया मास, तो मास कितना है 640 ग्राम। फिर हमसे वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम गिवन कितना है फाइंड करना है कितना वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं 20 इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 22.4 लीटर, कितना हो गया 448 लीटर, कहां पे एसटीपी। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें एक चीज देकर दूसरी चीज या तीसरी चीज पूछी हो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो फिर उसी फॉर्मूले को दोबारा यूज कर लो, समझ में आ गई बात। जैसे 2016 का ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बोर्ड का आया हुआ, तो 2016 का बोर्ड का आया हुआ सवाल मोल कंसेप्ट का ये रहा, अ गैस हैज मास ऑफ 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट एसटीपी, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अभी आपको लग रहा है ये कैसे होगा, भाई मैंने दो तीन फॉर्मूले बताए, सारे क्वेश्चन तीनों फॉर्मूले से हो जाते हैं, डरो नहीं एग्जाम में बहुत आसान सवाल आएगा, ऐसे ही आता है 2016 का, मैंने तीन फॉर्मूले बताया क्वेश्चन लेके हिट कर रहे हैं हम लोग कहीं से भी। अ गैस हैज अ मास ऑफ 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर, फाइंड क्या करना है मॉलिक्यूलर मास, कौन सा फॉर्मूला लगाएं चलो दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कौन से फॉर्मूले यहां पे लिखने वाले होंगे हम, मास वाला लिखेंगे और वॉल्यूम वाला, इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मास गिवन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, रख दो, कितना रख दिया 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, इस बार मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, गैस ही नहीं दी है, लेट मॉलिक्यूलर मास बी एक्स, नंबर ऑफ मोल्स पता है ओहो वो भी नहीं पता, क्या करें, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ मोल्स अब किसका, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम गिवन कब एसटीपी पे, देखो एसटीपी पे ही दिया है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, अब वॉल्यूम गिवन कितना है 20 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, क्या मिल गया नंबर ऑफ मोल्स, इसको उठा के यहां रख दो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहां से मिली, इतने मास का इतना वॉल्यूम है, तो पूछा है मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, चाहे मास से निकाले चाहे वॉल्यूम से, सेम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इसको यहां पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 20 अपॉन 22.4, यहां से x फाइंड कर लो, x क्या है मॉलिक्यूलर मास, बोलो आया, आया कि नहीं आया, मैंने दोनों फॉर्मूले लिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिल रहा था, यहां से निकाल